ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। श्रीलंका के क्रिकेटर धनुष्का गुणातलाका को गिरफ्तार किया गया है। सिडनी में उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। धनुष्का पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे, श्रीलंका के क्रिकेटर को गिरफ्तार किया गया है। महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप उनके ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर, धनुष्का गुणातलाका की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमृत आनंद का। अमृत, ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, जरा डिटेल बताएं। देखिए, धनुष्का श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाज है। हालांकि वो उस टीम जो श्रीलंकाई टीम खेली थी 15 का जो स्क्वाड होता है वो उसमें नहीं है। वो स्टार्ट में जब आए थे तो प्रैक्टिस मैच के दौरान उनको इंजरी हो गई थी, उसके बाद उनको स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था। यानी 15 सदस्यीय दल जो होता है उससे उनको बाहर किया गया था। वो फिर एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो गए थे फिर, लेकिन वो वापस श्रीलंका लौट कर नहीं गए। वो श्रीलंकन टीम के साथ वर्ल्ड कप में ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने डेटिंग ऐप के जरिए, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में कई सारे डेटिंग ऐप होते हैं, उस ऐप के जरिए उनकी मुलाकात किसी एक महिला से हुई और फिर दोस्ती में वो मुलाकात बदली। और उसके बाद जो आरोप अपना निकल कर सामने आ रहा है, जिस तरह महिला ने आरोप लगाया है, विदाउट उनके परमिशन, बिना उनके इच्छा के धनुष्का ने यौन शोषण उनका किया है। और ये मामला आते ही खलबली सी मच गई है पूरे ICC की। अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर ले या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, क्योंकि इस कंट्री में सेक्सुअल हरासमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट इसका होता है और यहाँ इस तरह के केसेस को बहुत ही सिंसियरली तरीके से लिया जाता है। और तुरंत ही जिस तरह से खबर पहुंची और खबर कंप्लेन हुआ, तुरंत पुलिस ने धनुष्का को अरेस्ट कर लिया। और अभी खबर जो हमारे तक पहुंच पा रही है कि टीम जो है वो धनुष्का को यहीं छोड़कर बाकी जो श्रीलंकाई टीम है वो लौट चुके हैं श्रीलंका के लिए। और उसके बाद जो उनके लॉयर हैं, आज उनकी पेशी होनी है कोर्ट में। उनके लॉयर ने बेल अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ बेल आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, तुरंत आपको मिल जाता है, लेकिन उसके बाद कोर्ट केस चलता है। कोर्ट केस में ये प्रूफ करना होता है कि जो बातें निकल कर सामने आ रही है वो सच है या नहीं है। तो फिलहाल उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। एक डेटिंग ऐप के जरिए उनकी मुलाकात एक महिला से हुई, फिर दोस्ती में थोड़ा घूमना फिरना उनका साथ उनके साथ रहा और फिर ये मामला निकल कर सामने आया है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कोर्ट आज जब उनकी पेशी होगी तो उनके लॉयर क्या दलील रखते हैं उनके बेल के लिए। बिल्कुल, तो ये अहम जानकारी अमृत आनंद दे रहे थे कि पेशी आज कोर्ट में होगी और इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि कानून जो है वो काफी ज्यादा कड़े हैं और इसी को लेकर उन पर ये कार्रवाई हुई है। इस बीच आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप